हमारे देश में फेस्टिवल्स की कमी नहीं है। हर कोई फेस्टिवल्स में बेस्ट लुक चाहता है। उसके लिए चाहिए थोड़ा सा पेशेंस और एक अच्छा सा स्किन केयर रूटीन, क्योंकि अगर आप में पेशेंस नहीं होगा तो आप उस स्किन केयर रूटीन को फॉलो नहीं कर पाओगे। अब आपको नेचुरल ग्लो चाहिए तो एक अच्छा बॉडी मास्क लगाना तो बनता ही है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा पर्सनल फेवरेट वेडिंग ग्लो बॉडी मास्क का रेसिपी। सबसे अच्छी बात यह है कि इसको हर कोई ट्राई कर सकता है और इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं आज का और एक स्किन केयर का वीडियो। तो आज के वीडियो में जिस वेडिंग ग्लो बॉडी मास्क का रेसिपी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, इससे ना ही आपके चेहरे पे एक नेचुरल ग्लो आएगा बल्कि इसको लगाने के बाद फाइन लाइंस, ब्लैक हेड्स, क्लॉक पोर्स की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएंगी। लेकिन आपको इसको रेगुलरली अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये नेचुरल रेमेडी है। तो इसको काम करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जब ये काम करना शुरू कर देता है तो वो आपके स्किन को ग्लोइंग और रेजुविनेट बना देता है। तो इस वेडिंग ग्लो बॉडी मास्क को तैयार करने के लिए हमें कुछ एक इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे आपको मसूर दाल को लेना है लगभग 3 से 4 बड़े चम्मच, और इसको रात भर भिगो कर रख देना है। और अगले दिन इसके साथ मिलाना है 2 बड़े चम्मच चंदन का पाउडर। इनको अच्छे से मिला लीजिए। मिलाने के बाद आपको इसके साथ मिलाना है गुलाब जल। अब रोज़ वाटर का प्रेफरेंस अलग अलग लोगों का अलग अलग होता है, मतलब मैं यहाँ पे ब्रांड्स के बारे में बात कर रही हूँ। तो आपका जो भी पसंदीदा ब्रांड्स है उसका रोज़ वाटर आप इसके साथ मिला सकते हो। रोज़ वाटर को मिलाने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर ले। मिक्स करने के बाद इसके साथ आपको मिलाना है थोड़ा सा ठंडा दूध, क्योंकि मसूर दाल को हमने रात भर भिगो कर रखा था पानी में। तो इसके साथ आपको ज़्यादा रोज़ वाटर मिलाना नहीं है, और दूध आप लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच मिला लीजिए। और इसका एक थिक पेस्ट तैयार कर लीजिए, और इस पेस्ट को तैयार करने के बाद इसको कुछ देर के लिए आप रख दीजिए ताकि सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद इस पेस्ट को आपको लेना है और अपने पूरे शरीर पे अच्छे तरीके से लगाना है और चेहरे पे लगाना है। आप इसको सिर्फ और सिर्फ चेहरे पे भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपना ओवरऑल बॉडी ग्लोइंग बनाना है तो आप इसको अपने ओवरऑल बॉडी पे भी लगा सकते हो। मैं हमेशा यही कहती हूँ अपने वीडियोज़ में कि सिर्फ चेहरे की तरफ ध्यान मत दो, अपने ओवरऑल बॉडी की तरफ ध्यान दो, क्योंकि अगर आपके बॉडी में अनइवन स्किन टोन का इशू रहेगा तो कोई भी ड्रेस आप कंफर्टेबली पहन नहीं पाओगे। इसीलिए चेहरे के साथ साथ अपने शरीर के बाकी हिस्सों में भी इस ग्लोइंग बॉडी मास्क को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको लगाने के बाद आपको कुछ देर इसको रखना है। ये जब हल्का सूख जाए ना, इसको आप अच्छे तरीके से मसाज कर दीजिए और ये धीरे धीरे निकल जाएगा। और उसके बाद आप ठंडे पानी से अपने चेहरे को और बॉडी को वॉश कर लीजिए। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि नहाने से पहले आप इसको इस्तेमाल करो। बेहतर रिजल्ट पाने के लिए इस बॉडी मास्क को आप हफ्ते में एक दिन करके इस्तेमाल कर सकते हो। ये था मेरा आज का वीडियो गाइस वेडिंग ग्लो बॉडी मास्क के ऊपर। वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी सवाल है कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।